कथित रूप से अनैतिक संबंध से उलझे एक मामले की पुलिस या जांच में एक साल से लापता शख्स का कंकाल खुदाई में बरामद होने की सनसनीखेज खबर सामने आई है। दिग्विजय तहसील में घटी इस घटना की पुष्टि करते हुए इस प्रकरण में यवतमाल जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दिलीप भुजबल पाटिल ने गुरुवार को पत्र परिषद में इस घटना की विस्तार से जानकारी दी है। साल भर पहले ही पारिवारिक विवाद और अनैतिक संबंध के संदेह के चलते श्रवण उर्फ विट्ठल शास्त्रकार के अपहरण की शिकायत दिग्रस पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। बताया जाता है कि कथित रूप से मृतक श्रवण उर्फ विट्ठल शास्त्रकार 9 मार्च 2021 को दिग्रस तहसील के वसंत नगर में स्थित घर से निकला तो था, लेकिन वो वापस नहीं लौटा, जिसके बाद थक हार कर परिजनों ने उसके लापता होने की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। उस वक्त दिग्रस पुलिस में भी काफी तलाशी की गई, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं आया था। ऐसे में यवतमाल जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दिलीप भुजबल पाटिल ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए उप विभागीय पुलिस अधिकारी दारवा की एक टीम, दिग्रस पुलिस की 2 टीमें और यवतमाल अपराध शाखा की 2 टीमें, ऐसी कुल 5 टीमों का गठन कर जांच को गति दिलाई, जिसके बाद हत्या के इस मामले में कथित रूप से शामिल वसंत नगर निवासी चेतन लक्ष्मण शास्त्रकार लक्ष्मण परसराम शास्त्रकार को हिरासत में लेकर सख्ती से जांच की गई, जिसमें चेतन शास्त्रकार ने इस मामले में पुलिस को रोते बिलखते बताया कि मेरा नहीं बल्कि नितिन शास्त्रकार और उसके दोस्तों का इस हत्या में हाथ है। नितिन शास्त्रकार और उसके दोस्त देवा, आकाश और प्रमोद ने काली दौलत खान देहात परिसर के जंगल में मिलकर श्रवण उर्फ विट्ठल का खून किया और इस घटना को अंजाम दिया। इस बीच जैसे ही संबंधित आरोपियों में शामिल देवा और प्रमोद को पता चला कि चेतन को पुलिस ने हिरासत में लिया है, तो वे दोनों बगैर किसी को कुछ बताए पुणे की ओर फरार हो गए। इधर जांच में जुटी पुलिस ने नितिन शास्त्रकार और उसकी पत्नी ज्योति शास्त्रकार को हिरासत में लिया। उनसे हुई पूछताछ में नितिन ने बताया कि मृतक श्रवण उर्फ विट्ठल का घर की एक बहू के साथ ही अनैतिक संबंध होने के संदेह के चलते ही चाचा गोपाल की मौत का उस पर शक था, जिस वजह से उसने चेतन शास्त्रकार, लक्ष्मण शास्त्रकार, ज्योति नितिन शास्त्रकार सहित दोस्त रमेश जाधव, देवानंद उर्फ देवरा वाघमारे और प्रमोद दारा सिंह राठौड़ के साथ मिलकर विट्ठल की हत्या की साजिश रची और समय मिलते ही उसे काली दौलत खान गांव के जंगल परिसर में ले जाकर पत्थर से सर कुचल कर मौत के घाट उतार दिया। बहरहाल दिग्रस पुलिस ने इस मामले में शामिल अधिकतर सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर उन पर विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस ने बताया है कि अब भी इस मामले में एक आरोपी फरार है। मालूम हो कि कल तक क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से ज्यादातर बड़े शहरों में घटने वाली दर्दनाक आपराधिक घटनाओं को हमने टीवी पर नाटकीय रूपांतरण के रूप में देखा है, लेकिन अब गांव में भी ऐसी घटनाएं घटने लगी है। मालूम हो कि करीब 3 से 4 माह पहले दिग्रस तहसील के सांगा परिसर के खेत में पूजा वानखेड़े नामक युवती का शव बरामद हुआ था। घटना की जांच में उसके पति ने उसकी दर्दनाक हत्या करने का खुलासा हुआ था। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान दौर में घरेलू संस्कार और लगाव स्वार्थ, द्वेष, गुस्सा और नफरत की भेंट चढ़ने लगे हैं। ऐसे में समय रहते आपसी रिश्तों को सुधारना और सतर्क रहना हर परिवार का कर्तव्य है, ताकि कोई अनहोनी घटना से हमारा परिवार का सुख ना खत्म हो, ना ही परिवार की इज्जत खराब हो। BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।